नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनैत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व पर लोग मां दुर्गा की स्तुति करने मंदिरों और पंडालों में रखी प्रतिमाओं के समक्ष जाते हैं। जबलपुर में भी नवरात्रि पर्व पर सड़कों पर लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। शहर के विभिन्न इलाकों में मां दुर्गा के पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इन प्रतिमाओं को देखने के लिए शाम होते ही घरों से निकलकर देवी पंडालों तक पहुंचते हैं। देवी पंडालों में विराजी मां दुर्गा की प्रतिमा को देखने श्रद्धालुओं का भीड़ सड़कों पर देखी जा सकती है। पुलिस विभाग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस फोर्स लगी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी रात्रि में दौरा कर पुलिस व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। नवरात्रि पर्व पर जिले में तकरीबन 2500 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। आज सप्तमी है ना? देखिए, अगर डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो आज हमारा पूरे जो जबलपुर पुलिस है उसका पूरा बल आज लगा हुआ है। हमारे सभी ऑफिसर्स, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी, सभी थाना प्रभारी और पूरा स्टाफ जो है आज की अवस्था में लगा हुआ है। और आने वाले अगले 2 दिन आज की तरह ही रहेंगे, जिसमें लोगों का मूवमेंट रात को करीब 3-4 बजे तक रहता है। तो हमारी व्यवस्था लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग सड़क पे हैं, 2-पहिया 4 वाहन से, तो कई बार कई पॉकेट्स में जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं माता जी की, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होते हैं। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। आज जी कल पंजाबी दशहरा और उसके बाद जो है विसर्जन होगा, ऐसे में कुछ मंचस वगैरह की भी बात सामने आती है, भंडारे होते हैं, तो क्या किस तरह के उसमें वो है? आप देखिए, सभी पहले आयोजकों से लगातार पहले बैठक होकर समन्वय हो चुका है, और जैसा समन्वय बैठकों में डिसाइड हुआ है उस प्रकार से एग्जीक्यूशन किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि ये त्यौहार जो है वो पीसफुल। अगर हम फोर्स की बात करें तो कितना फोर्स लगाया होगा आप लोगों ने? देखिए, वैसे तो पूरे जबलपुर पुलिस का बल लगा हुआ है, तो मैं देखें तो कम से कम मिनिमम आज रात के समय 2 से 2500 जो है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।